वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम का इसका पहले हमने एक टॉपिक क्लियर कर लिया है, उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस किस बेस्ड पे एनिमल को क्लासिफाई किया गया। आज के लेक्चर में हम फाइलम के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से फाइलम की, पोरीफेरा की। किसकी? पोरीफेरा। नाम से पता चला है पोरी, पोरी का मतलब होता है पोर्स, पोरी का मतलब क्या होता है पोर्स, फेरा का मतलब क्या होता है बॉडी। ऐसे एनिमल जिनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं पोरीफेरा। मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉल्ड स्पॉन्ज। और पोरीफेरा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है, तो उसका कॉमन नेम क्या है, स्पॉन्ज। क्या नाम रखा गया, स्पॉन्ज रखा गया। दे आर मेनली मैराइन एक्वेटिक एनिमल्स। ये कैसा होता है, मैराइन होता है, खारे पानी में रहता है और एक्वेटिक एनिमल है, ज्यादातर ये पानी के अंदर ही सर्वाइव करता है। स्पॉन्ज हैव अ पोर्स पोरस बॉडी वॉल, द पोर्स और द होल्स अलाउ द वॉटर टू पास थ्रू दिस एनिमल। इसमें क्या होता है, इसके बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर ये हो गया पोरीफेरा, इसकी बॉडी पे इस तरीके से छोटे छोटे क्या प्रेजेंट होते हैं, इसकी पूरी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। इसी पोर से क्या होता है, वाटर इंटर भी करता है, मतलब अंदर भी आता है, और इसी पोर से वाटर बाहर भी जाता है। अंदर भी इसी से आता है और इसी से क्या होता है, बाहर भी जाता है। इंटरनल पोर्स, जो अंदर वाले पोर्स होते हैं उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं ओस्टिया। क्या बोलेंगे, ओस्टिया बोलते हैं। और जो एक्सटर्नल पोर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्कुला। क्या बोलेंगे, ऑस्कुला। इंटरनल पोर इज नोन एज ओस्टिया एंड आउटर पोर इज, या एक्सटर्नल पोर इज नोन एज ऑस्कुला। देन नेक्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पोरीफेरा के पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लो का मतलब क्या होता है, टू, ब्लास्टिक का मतलब लेयर। जिसके पास दो जर्म लेयर पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। तो पोरीफेरा के पास दो जर्म लेयर पाई जाती है, और वो दोनों जर्म लेयर कौन कौन सी होती है, एक होता है इक्टोडर्म और दूसरा होता है इंडोडर्म। एक क्या होता है, एक होता है इक्टोडर्म, एक क्या होता है इंडोडर्म। तो पोरीफेरा कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर, मींस इनके पास दो जर्म लेयर पाई जाती है, फर्स्ट इज इक्टोडर्म एंड सेकंड इज इंडोडर्म। देन नेक्स्ट इज दे आर एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल का मतलब होता है जिनकी बॉडी हम डिवाइड नहीं कर सकते, मींस जिनकी बॉडी हम दो इक्वल पार्ट में डिवीजन नहीं शो कर सकते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे एसिमेट्रिकल, या हम बोल सकते हैं नो सिमेट्री। तो पोरीफेरा कोई भी सिमेट्री शो नहीं करते, मींस इनकी बॉडी हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज पोरीफेरा आर एसिलोमेट। पोरीफेरा कैसे होते हैं, एसिलोमेट, मींस इनके पास कोई भी सीलोम नहीं प्रेजेंट होता है। हमने सीलोम और ये बाकी डिप्लोब्लास्टिक, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री सब कुछ डिस्कस कर लिया। बस यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से फाइलम के अंदर कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रेजेंट होता है। तो पोरीफेरा का मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है, इसकी बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते, इन्हें हम कॉमनली स्पॉन्ज बोलते, एक्वेटिक होते, मैराइन होते हैं, और सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं और एसिलोमेट होते हैं। साथ साथ में इनके बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते, तो जो इंटरनल पोर होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ओस्टिया। जो आउटर पोर होता है, एक्सटर्नल पोर, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ऑस्कुला। द नेक्स्ट पॉइंट इज द बॉडी इज सपोर्टेड बाई स्केलेटन मेड बाई द स्पाइकल्स एंड द स्पॉन्जिन फाइबर। जो ये पोरीफेरा की बॉडी होती है वो किससे बनी हुई होती है, स्पॉन्जिन फाइबर से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है, स्पॉन्जिन फाइबर से। डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, इसके पास कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है। डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है। दे हैव वाटर कैनाल, अभी हमने पढ़ा था कि इसके पास छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। वाटर इंटर करता है ओस्टिया से, बाहर निकलता है ओसुकुलम से। किससे बाहर निकलता है, ओसुकुलम से। तो ये जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है ये क्या करते, यही हेल्प करते फूड की गैदरिंग में, हेल्प करते एक्सक्रीशन में, हेल्प करते ट्रांसपोर्ट में, हेल्प करते रिस्पिरेशन में, हेल्प करते। तो पोरीफेरा के पास जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते वो पोरीफेरा के जितने भी सिस्टमैटिक मीन्स, जितने भी उसके अंदर फंक्शन होते हैं वो यही पोर्स परफॉर्म करते हैं। इसे हम बोल सकते हैं वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है इसके पास। द नेक्स्ट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, पोरीफेरा के पास कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता है।
ना तो कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसी पोर्स की मदद से जो कुछ होना होता है इसी से होता है। देन नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एब्सेंट होता है, ये भी कुछ नहीं प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट इज स्पॉन्ज आर हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट का मतलब बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है मेल और फीमेल दोनों सेम इंडिविजुअल पे, मींस सेम बॉडी पे जब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होंगे उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट्स या तो बाइसेक्सुअल। तो पोरीफेरा पे मेल्स और फीमेल इसके दोनों एक ही इंडिविजुअल पे ही प्रेजेंट होते हैं, तो पोरीफेरा कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। देन नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल, बेबी का डेवलपमेंट इंटरनल मींस अंदर होता है बॉडी के अंदर, एग्जांपल में साइगोन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्जिया। हम जितने भी फाइलम के बारे में स्टडी करेंगे उनका कॉमन नेम क्या है, वो कौन सी कंडीशन में सर्वाइव करते हैं, क्या उनके अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट है जिससे वो हेल्प करता है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे अंदर वाटर कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट इसकी बॉडी पे, जितनी भी इसकी रिक्वायरमेंट होती वही पोर्स इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसका एग्जांपल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या अगर कुछ इसका कॉमन नेम दिया गया है, जैसे पोरीफेरा का कॉमन नेम क्या है, स्पॉन्ज, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हमने इस लेक्चर में फाइलम पोरीफेरा के बारे में डिस्कस किया है, आने वाले लेक्चर में हम आगे के फाइलम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।